what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time. राम राम जी साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। तो साथियों, आज हम निकल रहे कुफरी से जाको मंदिर के लिए। जाको मंदिर के लिए दो रास्ते हैं, एक मॉल रोड से रोपवे के द्वारा जो 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास होता है, और एक बाय रोड। तो हम निकल रहे हैं बाय रोड। तो साथियों देखो, सामने क्या शानदार नज़ारा है, और अभी बारिश भी चालू हो चुकी है, तो मौसम और बेहतरीन हो चुका है। तो बारिश के साथ साथ थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक भी बढ़ रहा है। तो देखिए क्या शानदार वादी को एंजॉय करते हुए। तो देखिए क्या शानदार शिमला सिटी का नज़ारा है सामने, जो काफी सुंदर नजर आ रही है। तो आनंद लेते रहे हमारे वीडियो का और शानदार शानदार नज़ारों के साथ। तो बात करें तो जाकू मंदिर की, जब रामायण के युद्ध के समय जब भगवान लक्ष्मण जी घायल हुए थे, तो हनुमान जी हिमालय की और संजीवनी जड़ी बूटियों के लिए की खोज के लिए निकले थे। तो इस पर्वत पर एक ऋषि हुआ करते थे याकू। तो हनुमान जी ने कुछ समय इस पर्वत पर रखे और जड़ी बूटियों का ज्ञान लिया ऋषि से, और उसके कुछ समय बाद आराम करने के बाद वो वापस अपने कार्य के लिए आगे निकल चुके थे। तो ये कहानी पौराणिक कथाओं के अनुसार बताई गई है, और तभी से इसका नाम याकू से धीरे धीरे जाकू हो गया। तो साथियों बात करें यहाँ के मंदिर की, जो काफी ऊंचा है, उसी हिसाब से यहाँ के रास्ते भी है, जो काफी शानदार है और काफी डरावने हैं। तो देखियो हमारी गाड़ी ऊपर चढ़ रही है रास्तों पे, तो यह फर्स्ट अटेम्प्ट जो हमारी गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ सकी है, और हम वापस पीछे आते हुए और एक बार वापस से हम कोशिश करेंगे। तो देखिए एक बार वापस कोशिश करते हुए। तो जितना ऊंचा मंदिर उतने ही ऊंचे यहाँ के रास्ते हैं, जो काफी मजेदार बोल दो या डरावने बोल दो, ये दूसरा अटेम्प्ट एक बार वापस से कोशिश करते हुए। अगर फिर भी नहीं होती है तो हम गाड़ी को जितने भी ये पड़े ना आलू बालू सबको नीचे उतार के फिर सिंगल से वापस। तो देखिए दोस्तों, दूसरे अटेम्प्ट में भी नाकामी हासिल होते हुए और वापस से गाड़ी को पीछे लेना होगा। एक बार वापस से ट्राई करते हुए, दिन तिगाड़ा हो सकता है, काम बिगड़ जाए या फिर या तो गाड़ी छड़ जाए। आखिरकार हमने सफलता पा ली है। तो देख लीजिए यहाँ के रास्ते, जितना ऊंचा मंदिर है उतने ही ऊंचे रास्ते यहाँ के, तो काफी शानदार है। और हम पहुंच चुके हैं जाको टेंपल से तकरीबन 1 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ के रास्ते सिंगल और खड़ी चढ़ाई पे हैं, इस कारण से हमारी गाड़ी 3 अटेम्प्ट में सफलता मिली है। क्योंकि यहाँ के रास्ते अभी बारिश भी हो रखी है और थोड़े टायर भी गाड़ी के घुस लिए, तो रास्ता 1 अटेम्प्ट में
खिलाड़ी ने सफलता हासिल कर ली है, पहुंचने वाला है। दोनों रास्ते एक ही थे, एक तो है नहीं परे वाला, क्या पता बंद हो गया ना। हाँ तो दोस्तों अभी अपन पहुंच चुके हैं जाकू टेंपल शिमला। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मंदिर और चलते हैं ऊपर फिर दर्शन कराते हैं। और यहाँ पे कुछ ही समय में 140 सीढ़ी का निर्माण अभी चल रहा है, तो जो कुछ समय में वापस उस समय में चालू हो जाएगी। और ये सामने जो मंदिर देख रहे हैं बालकनाथ का मंदिर है, हो सकता तो इसमें दर्शन कराएंगे आपके वापस एक बार मंदिर जाके। जो सामने आप ये टीन शेड देख रहे हैं, ये मॉल रोड से जाकू मंदिर आने का पैदल के लिए रास्ता है, जो पदयात्री होते हैं उनके लिए रास्ता है, और जो रोपवे होता है उसके लिए रोपवे आपको सीधा ऊपर मंदिर के पास में छोड़ता है। और यहाँ की बात करें, यहाँ पर जिस प्रकार हनुमान जी नट खड़ते हैं उसी प्रकार उनके वानर सेना है, तो उनसे थोड़ा बच कर रहे हैं, क्योंकि जब आप सेल्फी एल्फी या मोबाइल चश्मे अपने जो पर्स जो भी कीमती सामान हो उनको थोड़ा सेफ्टी से रखें। क्योंकि काफ़ी मात्रा में बंदर। और देखिए हम पहुंच चुके हैं जो 108 फीट ऊंची प्रतिमा उसके पास, जो काफ़ी भव्य है और काफ़ी शानदार है। और अब दिखाते हैं आपको यहाँ बंदरों का चमत्कार, जो भी हमारे सामने एक भाई साहब का चश्मा ले लिया था उन्होंने, तो वो हमने वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाए, तो इसलिए आप अपने चश्मे मोबाइल थोड़ा ध्यान रखें। और बात करें इस प्रतिमा की जो 108 फीट ऊंची है और जिसका निर्माण 2008 में चालू हुआ था और कंप्लीट 2010 में हुआ, और इसका जो सामने देख रहे हैं मंदिर आ चुका है, अब दर्शन कराते हैं आपको मंदिर के। तो चलिए दर्शन करते हैं, हमारे साथ साथ आप भी दर्शन कीजिएगा और आइए कभी जाकू मंदिर। मंदिर में अगर कैमरा अलाउ होता है आपको मंदिर के अंदर के दर्शन कराते हैं, अगर नहीं होता है तो फिर आपको आना पड़ेगा और भगवान के दर्शन करने पड़ेंगे। तो देखते अगर कैमरे की परमिशन मिलती है तो दर्शन कराते हैं, अन्यथा यह है मंदिर के बाहर का नज़ारा, प्रवेश द्वारा मंदिर का। चलते हैं आगे, दर्शन होते हैं या नहीं होते हैं कैमरा के द्वारा आपको बताते हैं। तो दोस्तों हमने दर्शन कर लिए और अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है। तो देखिए क्या शानदार नज़ारा है, बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है, और यहाँ पर आपको कैंटीन मिल जाएगी, बच्चों की पार्क है, झूले हैं, बताएंगे आपको आगे दिखाएंगे। ये देखिए सामने पार्क है, झूले हैं, और यहाँ की कैंटीन है जो शानदार है। और ठीक है दोस्तों हमने दर्शन कर लिए और हम वापस लौट रहे हैं अपनी होटल की ओर, और रास्ते में शायद ओले ओले की गड़गड़ाहट आपको सुनाई दे रही होगी। ओके दोस्तों बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे।
नए वीडियो के साथ।